अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर नहीं हूँ, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सतह इंटरमीडिएट क्लास FA पर्चा इल्म तालीम 312 कोड एजुकेशन, इसके में कुछ पास्ट पेपर ओल्ड पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को पेपर सैंपल का पता चल जाए, सवालात का पता चल जाए, किस किस्म के सवालात आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पेपर देने का तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपने जो आपके पास वो कापी आएगी उसमें आपने हैशे ज़रूर लगाने अपने, और आपने दोनों साइड पर हैशे ज़रूर लगाने हैं आपने। उसके बाद लाइनें छोड़ छोड़ के आपने बिल्कुल भी लिखना है, और एक क्वेश्चन का जवाब आपने 2 से 2.5 पेज पर देना है आपने। और हर सवाल में आप लोगों ने सुर्खियां लाजमी डालनी है, हेडिंग लाजमी डालनी है, हेडिंग आप लोगों ने मार्कर से डालनी है, हैशे भी मार्कर से ही लगाने हैं आपने। अगर कोई सुर्खी नहीं आती है तो आप अपनी तरफ से भी इसमें दे सकते हो, लाजमी नहीं कि आपने सारी बुक वाला ही आपने लिखना है। हर क्वेश्चन में 5 से 6 सुर्खियाँ हो, ये आप लोगों को मैंने पेपर देने का तरीका बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं अपने पेपर की तरफ। सवाल नंबर 1 है, हिस्सा अलिफ है, खाली जगह पूर करे। उसके बाद हिस्सा बे है, गलत और सही है ये। उसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, तालीम इस्लामी मफहूम क्या है। सवाल नंबर 3 है, इल्मु तालीम साइंस भी है। सवाल नंबर 4 है, बर्रे सगीर में इस्लामी तालीम की खसूसियत। सवाल नंबर 4 है, तालीमी नफ्सियात की अफादियत। सवाल नंबर 6 है, तालुम की तारीफ लिखें। सवाल नंबर 7 है, पाकिस्तान में तालीम व तरबियत असातज़ा की मौजूदा कैफियत। सवाल नंबर 7 है, तदरीस में इबलाग के मौसर तरीका हायकार तफसील से लिखें। ये हमारे सवालात हो गए हैं, लेकिन आप लोगों के सही गलत वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन खाली जगह आप लोगों की आ सकती है, मुख्तसर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर चेंज करके देता है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अपने दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा सवाल नंबर 2 है, इधर ये देखो ये रिपीट हो गया, इधर भी ये, इधर सवाल नंबर 3 था ये, तालुम की तारीफ, ये सवाल नंबर 6 है, इधर भी सवाल नंबर 6 है, ये 2 सवाल रिपीट हो गए हैं। ये मैं 3 पेपर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें से 3 सवाल भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। 18 सवालात हो गए टोटल खाली जगह को छोड़ के, ये तो 18 में से 3 से 4 तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आ जाएंगी। इसका भी वही है, हिस्सा अलिफ हो गया, खाली जगह हिस्सा बे, सही और गलत। सवाल नंबर 2 है, तालीम आर्ट है या साइंस, पाकिस्तानी सकाफत में बरतानी निज़ाम तालीम के असरात का जायज़ा ले। उसके बाद सवाल नंबर आगे 4 है, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से विरासत और माहौल को मुतासिर करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं, तालीम की तारीफ और इसके मुतालिक तसव्वुरात बयान करें, शख्सियत की तारीफ करें। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, तंजीम निसाब की अहमियत और उसकी मुख्तलिफ सूरतों को बयान करें। ये पेपर 2रा हो गया हमारा। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ मैं 3रा पेपर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसमें टोटल खाली जगह है 10 की 10, ये आप सवाल नंबर 1 देख सकते हो। ये 8 सवालात आएंगे टोटल और आपने इसमें से 5 करने होंगे। इसमें सवाल नंबर 2 है, तालीम क्या है, ये पीछे रिपीट हो गया, नफ्सियात की तारीफ करें, ये भी पीछे रिपीट हो गया है। माशरा क्या है, तालीम और माशरे का बाहमी रबता बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, अरतकाई मदारिस से क्या मुराद है, अरतकाई मदारिस की तालीमी अहमियत पर बहस करें, नज़रिया पाकिस्तान, ये भी पीछे रिपीट हुआ है। उसके बाद है, नशोनुमा के मुख्तलिफ मदारिस पर मुफसिल नोट लिखे, तालीम पर असरानंदाज होने वाले अवामिल का जायज़ा ले। इसी में ये 3 पेपर, इसमें 4 सवाल रिपीट हो गए हैं। आपने करना ये है, आप लोगों ने यही पेपर सामने रखना है आपने, और अपने बुक से यही क्वेश्चन आप लोगों ने देखने हैं। मुझे उम्मीद है कि 50% तो आप लोगों की तैयारी इधर से ही हो जाएगी। जिसने बिल्कुल किताब नहीं पढ़ी है वो इधर से तैयारी कर लेगा। वो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट वगैरह उसको जो मिलती रहे। आज की वीडियो इतनी थी, अल्लाह हाफिज़।